अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। व्लॉग उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आज देख सकते हो भाई सब तैयार हैं, आपका भाई पीके ब्लेंडर बना हुआ है। क्यों हिला डाला ना भैया, आप देख लो, दे दिया फिर पिंजरा। पिंजरा जो है ना वापिस, वो जिसको देना था ना मैंने, उसको जो दे दिया, तीन चार दिन पहले दिया था। तो आज का जो प्लान है ना वो हमारा है लाहौर जाने का। पूछा मैंने कुछ, माल्टे लेके आए हम लोग, माल्टे जब आए तो धूप खत्म। अभी जो ना सामान नीचे तैयार हो रहा है और मैं जो ऊपर आकर, मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू करते हैं, तो नीचे कर रहा था पहले ब्लॉग शुरू, लेकिन नीचे जो है ना बाइक्स वगैरह काफी आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चले ऊपर ही चलते। यार मैं तो सोच रहा हूँ सर्दी यहाँ पे भी बहुत है, लाहौर में कितनी सर्दी होगी ये सोचो, तो इसलिए जो है ना मैं ऊपर ये जैकेट पहनी, नीचे ये और इसके नीचे भी एक पहनी हुई है और पैंट के नीचे भी एक पहनी हुई है। अभी जो है ना जाते हुए एक दो चीज़ें भी लेनी है, इसलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं। पहले मेरा प्लान था कि जल्दी जल्दी जो है ना 7-8 बजे निकल जाएंगे घर से, लेकिन जो उठ नहीं सका, आँख बंद रही मेरी, सोता रहा मैं। तो 10:30 बजे मैं उठा, तो अभी जो है 11:30 बजे हुए, तो जल्दी जल्दी निकलती हूँ। अच्छा तो यार अब टाइम आ गया बस अब जाने का, आगे तो एक और लड़के को पकड़ेंगे जो हमें जो है ना बस अड्डे पे छोड़ेगा। तो अभी टाइम अभी नहीं हुआ, दुकानें वगैरह सारी बंद है अभी, लेकिन आगे देखते हैं। तो रही को बुलाते हैं, वो मैं छोड़ के आगे आगे देखते हैं। वैसे वो पीछे राहील का घर था, लेकिन राहील जो है ना अपना वो चले गया हुआ है अपनी ड्यूटी पे, तो अभी जो है ना अली के पास जाते हैं। अली ऑनलाइन भी अगर घर ही बैठा हुआ है, क्योंकि वो घर ही बैठा होता है। आए हैं उस्मान, मैं तो कहता हूँ झूले ले लें या झूले दे दो। चलो चल भाई उस्मान, मान चला यार है। अली आ गया, अली मान भी गया। मन्ना क्यों नहीं सी, मैं जी दुआ के नाल लगता है, मैं जी दुआ के तू टाल सकदा है गल दस। हां मैं भी भाई फट वो क्या फाड़ नकली पिकी ब्लेंडर है, मगर क्यों जब उस्मान जाते उधर भी रोकना है। लो पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो भाई कहते मिठाई खिलाने का कर लेंगे, अब जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मिठाई खिलाऊंगा, तो हम लोग कहते हम लोग रात को पर्स के अंदर भाई साहब के 10,000 रुपये भी है, 10,000 रुपया भी था अंदर, लेकिन उन्होंने दे लो दे दिया वापस। हिम्मत वाली गल है बंदे की, इधर से जो है ना दो लेने हैं ग्लव्स हमारे कलर के लिए, जो लाहौर में होती है ना उनके लिए। दो गुलाब जो कदर होते हैं ना लाहौर में उनके लिए। इसमें शायद मैं दूसरा लो, बड़ा ले लो। नहीं पतले चाहिए ना बिल्कुल, वो ले लो फिर। नहीं नहीं यार बिल्कुल ऐसे के पतले हो, ये है चाइना का, इसमें बेच चलता है ऐसे, इसमें और नहीं ये अच्छा है। अरे भाई ओए मुंह तो दिखाना पूरा ओए, बड़ा दिखा दे आप खाते हाथ मार रहे नहीं। अच्छा यार जिस तरह के हम लोग ने ग्लास लेने हैं ना, वो बोले यहाँ से नहीं मिले, लेकिन उस्मान ने ये वाले ले लिए, उस्मान ने ये वाले ले लिए बाइक चलाने के लिए। तो भी ओ हो चलो जी चल, अच्छा
पीछे अड्डे पे आ गए डेवो अड्डे से हम लोग जो है ना लाहौर डेवो एक्सप्रेस जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी जो है मैं तो जा रहा हूँ अली और अली और उस्मान जो अंदर ही चले गए तो मैं जा रहा हूँ अभी टिकट ले रहे हैं अंदर। बस जो आगे ये सामने निकलने वाली है 5 मिनट रह गए फिर रात को वापस आ जाना है अगर बस चली तो। हाँ अल्लाह करे बस ही ना लगे। पूछा मैंने कुछ घर अपना फोन आ जाए 12 बजे फोन कर देंगे ठीक है। A few moments later जी लाहौर जो है ना अड्डे पे हम लोग उतर गए बस से उतर गए तो अभी जो है ना कॉल करते हैं अपने कजन को वो आके हमें जो पिक करेंगे यहाँ से तो बस कॉल करते हैं बाकी देख लो अड्डा अड्डा ही देख लो बड़ा हरामी हो बेटा यहाँ से भी जाके वो ना उस साइड पे जो है ना गाड़ी वगैरह आती है ना उस साइड से तो वहाँ पे जाके जो कजन को कॉल करते हैं और वहाँ पे वो आएगा फिर जो आगे चलेंगे उनके गाँव में। सर्दी यहाँ पे बहुत ज्यादा है सर्दी और धुंध का काम है सरगोधा से ना धुंध वगैरह काम है लेकिन सर्दी जो है उससे 3 गुना ज्यादा है अभी खड़े खड़े हुए ना हमारी कांपे टांग रही हैं। मेरा 15-20 मिनट हो गए हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे तो हम लोग जब बस से उतरे हैं ना तो मैंने बताया उसको मैसेज किया अपने कजन को तो कजन मुझे कहता कि मुझे तो पता ही था तो अभी जो है ना मैं गाड़ी बैठा वो तो निकलता हूँ देख लो अभी जो है कदम निकलेगा फिर 10-15 मिनट लगेंगे फिर वो यहाँ पे पहुँचेगा वो भी आता है फिर आगे जो है ना घर चलेंगे थोड़ी देर घर बैठेंगे उसके बाद जो है आगे जो काम है ना मैं क्योंकि काम तो मैं अभी तक मैंने बताया ही नहीं है अभी बताते हैं तो काम हमारा ये है लाहौर में कि हमें जो है ना रजब फैमिली से मिलना था रजब फैमिली के घर भी जाएंगे अभी तो अभी जो उनके घर जाएंगे थोड़ी देर जो है ना हम लोग अभी कदम के घर बैठेंगे उसके बाद जो आगे जाएंगे। अच्छा जी अभी जो है उस्मान की कॉल आई हुई है और भाई कह रहे हैं कि आज अपना हम पहुंच गए हुए हैं तो अभी जो है गाड़ी देखते हैं कहाँ पे खड़ी हुई है कजन की उस पे जो है बैठ के जाते हैं अभी देखते हैं बस गाड़ी ढूंढते हैं थोड़ी बस ढूंढ बस से तो अभी उतरे हम लोग वो सामने वाली गाड़ी ये ब्लैक वाली दोनों अकेले आए हैं तो मैं ना खुद ही ले आता हूँ जाके ऐसे रिक्शे पे तो मम्मा कहती हैं कौन दोनों मैं कहा ना अनुर उस्मान तो कहते हैं अच्छा उस्मान साथ है तो फिर छोड़ दे वो पूरा लोहर भेज के खा जाएगा मुझे अपने घर जाना है। पहुँच गए थे तो थोड़ी देर पहले ही पहुँचे यहाँ पर सर्दी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इस वजह से जो है मैंने टोपी ऊपर पहन लिया जो थोड़ी देर तक जो है ना अभी हम लोग जो कुछ खा पी लें उसके बाद जो है शाम के टाइम जो है ना वहाँ पे जाएंगे रजब फैमिली के घर। नहीं अच्छा तो यार अब जो है ना टाइम हो गया मगरिब का टाइम जो है ना पास मगरिब का टाइम होने वाला तो जो है ना मैंने इंटरव्यू बुक किया पहले जो है ना मैं वहाँ से हो गया तो अपने काम से उसके बाद जो है वापस आएंगे और फिर तब तक जो है कज़न भी फ्री हो गए होंगे तो उनके साथ जो है ना मिल के कहीं बाहर जाएंगे घूमने फिरने कहीं पे या कुछ खाने पीने मस्त प्लान है जो भी होगा ना प्लान वो आपको बता देंगे फिर ओके। तो अभी उस्मान भाई आ रहे हैं और इंटरव्यू बुक के वो आते हैं भाई तो उनके साथ जो है चलते हैं तो
और अभी जो है ना कॉल आई है बाइक की, हम लोग जो है ना यहाँ पे पहुँच गए हैं, हम लोग नहीं एक ही ड्राइवर है तो बाइक पे, यहाँ भी देखते हैं गली में वो है शायद वो सामने, अभी देखते हैं वो शायद कोई और होगा ऐसे कोई नेबर वगैरह ही, अभी देखते हैं। वो खड़ा तो हुआ कोई वो ही। जी पुलिस वाले तो नहीं ना रोकेंगे? रोकेंगे भाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ। Moments later. अच्छा तो ये सोसाइटी में हम लोग पहुँच के सामने वो ही वाला पार्क है जिसमें रजब भाई ने जो गाड़ी अपनी लेके गए थे, तो घर का भी देखते हैं, कंफर्म करते हैं ये कि घर है उनका साइड पे, तो घर देखते हैं, अगर घर मिलता है तो उनके घर चलते हैं और मिलते हैं। वो सामने वीजा खड़ी हुई है, पता नहीं वो जी नहीं नहीं होंगे गाड़ी खड़ी हुई होंगे, बाइक वगैरह तो है नहीं रजब भाई के पास। जब दरवाजा खिड़का ये देखो जी, यहाँ पे उनका गार्ड बैठता है, ये रजब भाई की गाड़ी है कार जोन की। अभी बुलाते हैं रजब भाई को, फिर मिलते हैं। अवैस आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा अभी अवैस को हम लोग ने जो है ना बताया, तो अवैस भाई जो अंदर रजब भाई को बताते हैं तो वो आते हैं अभी मिलते हैं। शुक्र है गा रही है वो, गाड़ी बाहर खड़ी है। A few moments later. अच्छा तो अभी जो है ना रजब भाई बाहर आए हैं, ये खड़े हैं हमारे रजब भाई जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो जल्दी भी थोड़ी तो मैं कहीं जा रहा हूँ। आपके चैनल का नाम क्या है? हनी फनी व्लॉग्स। हनीफ फनी व्लॉग्स, हनी फनी के व्लॉग्स, हनीफ फनी व्लॉग्स के नाम से जी भाई का चैनल है जी। तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरा ख्याल कैमरा नीचे है आपका, मेरी तरफ ही नहीं ऊपर ही। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बड़े प्यारे भाई यहाँ बैठे पानी शानी पिए, अगैस बिठा भाई को ठीक है। ये जी खोल दे, ये जी भाई लेके आए हैं J dot 4 homie, F dot, बहुत प्यारा F dot है कि F dot, F dot, F dot, F dot, थैंक यू सो मच मेरी जान, बहुत प्यारा, शुक्रिया शुक्रिया जी, रखो थैंक यू भाई, शुक्रिया शुक्रिया जी। One hour later. अच्छा तो यार अभी जो है ना हम लोग वापस आ गए हैं, तो पानी वगैरह पिया, तो रजब भाई के घर से, तो रजब भाई जो है ना गाड़ी तैयार हुए हुए थे कहीं जा रहे थे, उनको जल्दी ही काफ़ी, तो गाड़ियों की उनकी बाहर खड़ी हुई थी, गाड़ी में बैठे और जो है ना मिल के ना मतलब वीडियो वगैरह बनाई है, तस्वीर वगैरह बनाई है। अभी ना हमारी गार्ड भाई से बात हुई है, तो गार्ड ने हमें कहा कि 5 मिनट का रास्ता है, रास्ता लाग नहीं रहा 5 मिनट का, दूर दूर तक दूर दूर तक तो गाड़ियाँ जा रही है ऐसी, तो हमसे जो है ना चला नहीं जा रहा क्योंकि पेट भी काफी है, तो पेट है। अभी जो है ना हम लोग कहीं से पैकेज वगैरह लगवाते हैं या फिर कोई रक्षा रोकते हैं, उनके साथ जो है ना बैठ के जाएंगे फिर। रक्षा नहीं, हम लोग जो है ना घर वापस पहुंच के, रक्षा यहाँ पे आ गए, वो सामने घर है, तो अब बस अंदर जाते हैं थोड़ी देर, 5-10 मिनट में बैठूंगा अंदर, उसके बाद जो है ना कजन को कहेंगे कि आज अब चलते हैं कहीं बाहर। तैयार होकर वापस बाहर निकला, उस्मान ये सामने है, अभी गाड़ी निकलती है तो कोई चीज़ खाने पीने चलते हैं अभी, जो बाहर सोसाइटी के बाहर, रात को तकरीबन 1 बज गए हुए, अभी चलते हैं कोई चीज़ खाने के, बस तुम्हारे आगे बैठे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे आए थे जॉनी जुंगलू पे बर्गर वगैरह लेने, तो पिज़्ज़ा जो है पीछे ही हम लोग ने ऑर्डर कर दिया था, तो हम लोग जो है ना हमने कहा कि पिज़्ज़ा वहाँ पे लग गया मतलब वो बना ले, तब तक हम लोग जो है ना यहाँ पे आके बर्गर वगैरह ले लेते, तो अभी जो है ना उस्मान साहब नहीं जा रहे, वो तो पैसे थोड़े से जो है ना कम थे पास, तो जो है ना ATM मारने जा रहे, कार्ड पेमेंट नहीं थी उनके पास। पिज़्ज़ा वगैरह लेके जो हम लोग आगे हुए हैं, अंदर जो है पिज़्ज़ा वगैरह पड़ा हुआ है ये सामने, तो यहाँ पे जो है ना सामने जूस वगैरह लेने आए थे, जूस के साथ में आया था तो वो लेते हैं और बाकी जो है घर चलते हैं।
One hour later. कैसा है? मजेदार। ये पिज्जा चेक करो, ये अंदर कबाब डाला हुआ, कबाब के अंदर चीज डाली हुई है। ओ गॉड, एक बार दिला दे। जब यार पिज्जा वगैरह खा के हम लोग फिर अब सोने लगे, उस्मान जब सो गया हुआ तो मैं भी सोने लगा हूँ। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह।